नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई टैक्स पे। जी हाँ, खाड़ी देशों में जो लोग इंडिया के काम करते हो, आप लोग मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड, उसके वेतन पे जो इंडिया आप तक पैसा भेजते हो डॉलर में या फिर रियाल में, दराम में, जी हाँ उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। जी हाँ, अधिनियम 2021 वित्त मंत्री निर्मला सरण ने दी जानकारी। ऐसा एक अफवाह इसको बोल सकते हैं, या एक ऐसी घटना आपने सुनी होगी। जी हाँ, कि भाई जो लोग अभी खाड़ी देशों में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत में जो लोग काम करते हैं, उनके ऊपर अभी जो सरकार, जो वो पैसा इंडिया भेजते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा एक अफवाह सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन मैं बता दूं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने अकाउंट सोशल मीडिया पे एक बात अभी शेयर की है कि भाई क्या होता है कि यार, ये पहली बात तो ये जो अफवाह फैलाई है वो भी नेता लोग हैं, आम आदमी ने नहीं फैलाई है, क्योंकि ये भाषण वहीं पे हुआ था संसद में, आपको सबको पता है। वहीं के जो हो सकता है जो ध्यान नहीं देते, या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो उनका उल्टा अर्थ निकाल लिया जाता है, एक तरीके से ये समझा जाए। जी हाँ, शर्म करने की बात है कि भाई खाड़ी देशों में जो कामगार, जो वर्कर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, जो आपकी शान है, देश में पैसा आता है, विदेश में डॉलर में, दराम में और रियाल में, जी हाँ उसके ऊपर पूरा इंडिया टिका है, इंडिया का इंटरनेशनल बिजनेस टिकता है उसके ऊपर, और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऐसी अफवाहें फैलाते हुए कि खाड़ी देशों के कामगार पे टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई, किस बात का लगेगा? इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से आज तक कोई टैक्स नहीं लगा, तो ऐसी अफवाहें फैलानी क्या जरूरी है? सोचने की बात है ना, क्योंकि मैं बता दूं, इंडिया, आप लोग जो विदेशी, इंडिया के लोग जो विदेश में बैठ के पैसा कमाते हैं, हालांकि मैं क्लियर कर दूं, जो पैसा आप कमाते हैं वो सरकार को नहीं देते हैं, वो पैसा आप अपने घर भेजते हैं, ठीक है, घर वाले उसको यूज करते हैं, आप करते हैं, वो दैट्स नॉट मैटर, लेकिन वो पैसा देश के विकास में कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल मैं लाइव आपको, मैं खुद मेरे मुंह से बताऊंगा कि इंडिया की करेंसी और विदेश की करेंसी में रात और दिन का फर्क है, आप सबको पता है। और इंडिया का जो भी लेन देन विदेशों से होता है वो डॉलर में होता है। अगर बाहर का पैसा इंडिया में नहीं आएगा तो इंडिया के पैसे तो अरबों रुपए दोगे तब जाके वो लाखों में बनेंगे। कितना बड़ा माइनस पॉइंट पाकिस्तान इसको झेल रहा है, पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि विदेश में जो पैसा, पाकिस्तान में विदेशी पैसा आता है उसका मैं बता दूं 70-75% खाड़ी देशों से आता है, बाकी तो उनके लोग है नहीं ज्यादा विदेशों में, आपको सबको बताइए। तो उनकी स्थिति उनको पूछ लो कि वो $1 को चुकाने के लिए, $1 का वो बिजनेस करते हैं, अपने पाकिस्तान का वो ₹150 देते हैं तब वो $1 का बिजनेस करते हैं, सोचने की बात है, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और इंडिया में वो पैसा, विदेश में जो लोग इंडिया के काम कर रहे हैं उनकी वजह से इंडिया के पास 5,000 करोड़ से ऊपर विदेशी मुद्रा भंडार पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार था। जी हाँ, हालांकि कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है और देशों की बजाय, ये लगभग तीन चार पांच देश ही ऐसे हैं जिनके पास इतना भंडार है। चीन हालांकि 3,000 करोड़ से ऊपर था उनके पास में, लेकिन इंडिया के पास फिर भी अच्छा था और देशों के बजाय। जी हाँ, ये पैसा देश के विकास में कितना काम आता है। फिर ये नेता लोग ये बोलते हैं विदेशी कामगारों के, जो आप पैसा इंडिया में भेजते हैं बैंक के थ्रू, कैसे भी उनके ऊपर टैक्स लगेगा। शर्म आने की बात है यार, ये लोग इन लोग जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, इस वजह से देश का जो बिजनेस है अदर कंट्रियों के साथ वो इसी पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। आप क्या सोचते हो, इंडियन करेंसी तो कितना चुकाओगे भाई, पूरा देश खाली हो जाएगा उस बिजनेस के चक्कर में। विदेशी पैसा ही है जो इंडिया की बिजनेस में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसी अफवाहें फैलाना गलत है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में सफाई दी ट्वीट के माध्यम से कि ये अफवाहें झूठ हैं, फेक हैं, ऐसा हमने, हमारी सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि भाई जो लोग विदेश में बैठ के इंडिया में पैसा भेजते हैं उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। और ऐसा सोचना भी गलत है यार, क्यों सोच रहे हैं ऐसी बात, सरकार को या फिर किसी नेता को ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। विदेश में पैसा इंडिया भेज रहे हैं कमाकर, उसके ऊपर टैक्स लेंगे, क्यों लेंगे? अरे इंडिया में जो बैठे हैं उनसे तो GST वसूल कर लो। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हम जहां रहते हैं कितने लोग टैक्स देते हैं, कोई नहीं देता। करोड़ों रुपए का रोज का बिजनेस होता है, वो टैक्स में सरकार को चवनी भी नहीं दिखाते, लेके दिखा दो उनसे। शर्म आने की बात है, ऐसी अफवाहें बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसा सरकार नियम बना देती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान ही है। और कामगार बेचारे जो 20-30 हजार रुपए महीना मर पड़ के कमाते हैं 12-12 घंटे ड्यूटी करके, और उनसे सरकार टैक्स लेगी, सोचने की बात है यार।
अलग ये न्यूज फेक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये अपडेट आई थी तो मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।